अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक करते वक्त हर शय की एक उम्र मुतय्यन कर दी। वो इंसान हो, हैवान हो, चिरिंद हो, परिंद हो, पहाड़ हो, समंदर हो, हर चीज़ ने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। जैसे वो बनाई गई है उसी तरह उसने अपने अंजाम को पहुँचना है। इस कायन ज़मीन पर चूँकि इंसानी आबादी है, ये तो पता नहीं कितने अरब साल से आबाद है, लेकिन ये ज़रूर तय है कि जितने अरसे से भी ये दुनिया आबाद है, शहर बनते रहे और उजड़ते रहे, शहरों की आबादियाँ मिटती रहीं। सबसे बड़ा शहर एक ज़माने में इराक़ का शहर उर हुआ करता था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है, नहीं रहा। बाबुल एक ज़माने में बहुत अजीम शहर था, आज एक टीले के नीचे दफन है। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, मोहनजोदाड़ो, कहते हैं जी कि वादी सिंध की तहजीब बहुत पुरअसरार तहजीब थी, पता ही नहीं कि कैसे शुरू हुई और कैसे ख़त्म हो गई, लेकिन हो गई। हड़प्पा सिर्फ खंडरात की सूरत में बाकी है। मेहरगढ़ की तहजीब, जिसे पाकिस्तान की सबसे कदीम तहजीब कहा जाता है, उसका शहर बना पर ख़त्म हो गया। आज वहाँ के छोटे छोटे बर्तन, छोटी छोटी खोपड़ियाँ और वो सिक्के जो उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे, वो बाकी रह गए हैं। मतलब इंसान नहीं रहता, शहर नहीं रहते, आबादियाँ नहीं रहती, सिर्फ उनकी यादें बाकी रह जाती। मैं आज एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जिसे जनूबी एशिया का सबसे कदीम तरीन जिंदा शहर कहा जाता है और उसका नाम है पेशावर। ऐसा नहीं है कि पेशावर के साथ कोई और शहर आबाद नहीं हुआ था, लेकिन वो शहर सफ़ाई हस्ती से मिट चुके, पेशावर रह गया। ये जगह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसको कहते हैं गोर गठरी। ये बुनियादी तौर पर दो अल्फाज का मजमुआ है। गोर कब्रिस्तान को कहा जाता है, फारसी में भी जो है वो कब्रिस्तान को कहते हैं, पश्तो में भी कब्रिस्तान को कहते हैं, और गठरी कहते हैं जंगजू हिंदको ज़बान में, यानी ये पश्तो और हिंदको का मरकब है। तो ये जगह किसी ज़माने में उन जंगजुओं का कब्रिस्तान हुआ करती थी। कब आबाद हुई नहीं जानता कोई भी। पेशावर के बारे में कहते हैं कि कुछ 7000 साल पुराना शहर है, कोई कहते हैं जो है वो हज़रत ईसा की पैदाइश से 500 साल पहले शुरू हुआ, यानी ये शहर आबाद हुआ। कोई कहता है इसका नाम पुरुषपुरा था, यानी मर्दों का शहर था। कोई कहता है परशुरावती था। कोई कहता है जो है वो महाभारत का एक मशहूर किरदार है, बादशाह भरत, जिसका नाम था भारत भी उसको कहा जाता है, कहते हैं उसके बेटे ने इसे पुष्कलावती के तौर पर जो है वो तामीर किया था। कोई इसको पेशावर कहता है, मतलब इसके दर्जनों नाम हैं, जितने नाम ही मैं लूँ वो कम हैं, लेकिन नाम बदलते रहे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से शहर आबाद है। अपना 1996 में ये जगह मैं बताता हूँ कि ये पहले क्या थी, लेकिन 1996 में इस जगह की जब खुदाई की गई, यहाँ खंडरात जो है वो जब पता ये चला, मतलब इस बात की खोज लगाने की कोशिश की कि पेशावर है कितना पुराना शहर, तो तब ये पता चला कि ये जगह एक तो पेशावर का सबसे बुलंदतरीन मकाम है, और दूसरी बात ये कि जैसे जैसे खुदाई करते चले गए, वैसे वैसे पता ही ये चलता गया कि एक के नीचे दूसरी तह मौजूद है। यानी एक असूल है आर्कियालोजी का कि कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती। आसार कदीमा का ये सबसे पहला असूल है। जैसे जैसे आप खुदाई करते चले जाते हैं, नई जो है वो तहें दरियाफ्त होती जाती हैं, नए उकदे खुलते हैं और नई चीज़ें सामने आती हैं। ये जो गढ़ा आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में या एक महीने में या एक साल में इसके खोद लिया गया। ये 7 तहें हैं जो मुख्तलिफ अदवार में खोदी गई। इसको बाकायदा प्रिजर्व किया गया है ताकि इससे नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि आसार कदीमा की सबसे पहली शर्त यह, अब इसके ऊपर इसलिए ये शेल्टर डाल दिया गया कि अगर कल को बारिश होती है तो ये गढ़ा सारा पानी से भर जाएगा और वो चीज़ें जो इतनी मेहनत से दरियाफ्त की गई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। पहले आपको बताते हैं कि पेशावर दर्जा बदर्जा कहाँ तक पहुँचा, मतलब कब शुरू हुआ। वैसे तो कहते हैं 7000 साल पुराना शहर है, लेकिन ये कि इंडो बाक्ट्रियन जो है, जिन्हें आप यूनानी भी कह सकते हैं, हाँ यहाँ यूनानी का जिक्र है, तो एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि अलेक्जेंडर कभी पेशावर नहीं आया, क्योंकि उसने दर्रा खैबर अबूर नहीं किया, लेकिन पर्डिकस और हिफासन जो उसके दो सिपा सालार थे, उनके बारे में ये कहा जाता है कि दर्रा खैबर जब उन्होंने पार किया कुछ
फौज के साथ, तो वो पिशावर से होते हुए गुजरे थे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं, ये व्लॉग 3 हिस्सों पर होगा और ये उसका पहला हिस्सा है। अब वापस आते हैं पिशावर की तारीख की जानिब। एक मफरूजे के मुताबिक इलाके की इब्तदाई आबादी के वक्त इसका नाम संस्कृत में पुरशपुरा यानी मर्दों का शहर था, जो बिगड़ कर पिशावर हो गया। दूसरे मफरूजे के मुताबिक ये फारसी नाम पेश शहर का बिगाड़ है। अकबर के किताबियात निगार और मुवर्रख ने इसके दो नाम पर्शावर और पिशावर तहरीर किए हैं। कहा जाता है कि इस शहर को पिशावर का नाम मुगल शहनशाह अकबर ने खुद दिया था। 500 कबल मसीह में मेल्टस के जुग्राफिया दान हिकायतस ने इसका नाम कस्ता कोरोस तहरीर किया, जबकि 486 कबल मसीह के यूनानी मुवर्रख हेरोडोटस ने इसे कस्पातोरोस लिखा है। शिकागो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट को नक्शे रुस्तम के मिलने वाले कतबे के मुताबिक इसका नाम पशकबूर है। मारूफ जोग्राफिया दान और रियाजी के माहिर अबू रिहान अल बैरूनी ने इसे पर्शावर लिखा है। प्रोफेसर दानी ने इसके कई नाम तहरीर किए हैं, जिनमें पारसपुर, कुशानपुर, पर्शापुर, बागराम और पारुपारास्ता शामिल हैं। बहरहाल पिशावर को जनूबी एशिया के चंद सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है और ख्याल किया जाता है कि यहाँ 7000 साल कबल की तहजीब के आसार मौजूद हैं। वेद देवमाला में पिशावर और आसपास के इलाके को पिशकलावती के नाम से जाना जाता है, जो रामायण के बादशाह भारत के बेटे पिशकल के नाम से मंसूब है। तहम इसके बारे में फिलहाल कोई यकीनी राय मौजूद नहीं। मुसद्दका तारीख के मुताबिक इस इलाके का अमूमी नाम पुरशपुरा यानी इंसानों का शहर था, जो बिगड़कर पिशावर बन गया। इसकी सदियों पुरानी आबादी पर दर्जनों अफराद ने हुक्मरानी की। 500 कबल मसीह के लगभग पहले ईरान का हखामंशी खानदान यहाँ का हाकिम रहा, लेकिन फिर यूनानियों ने इस खानदान के आखिरी बादशाह दारा को शिकस्त देकर इस पर कब्जा कर लिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट खुद तो कभी पिशावर नहीं आया, लेकिन इस अम्र के शवाहिद बहरहाल मौजूद हैं कि उसके दो सिपहसालारों पर्डिकस और हिफास्टन ने पहले जरा खैबर अबूर किया और फिर पिशावर पर काबिज हुए। 170 से 159 कबल मसीह तक इस इलाके पर यूनानी बाख्तर बादशाहों ने हुक्मरानी की, जिसके बाद पारथी, हिंद पारथी, ईरानी और फिर कुशान हुक्मरानों ने यहाँ कब्जा किए रखा। एक तारीख दान के मुताबिक 100 ईस्वी में पिशावर की आबादी 1,20,000 के लगभग थी और उस वक्त आबादी के एतबार से ये दुनिया का 7वां बड़ा शहर था। कुशान हुक्मरान कनिष्क 127 ईस्वी के लगभग बादशाह बना। उसने अपना दारुल हुकूमत पिशकलावती यानी मौजूदा चारसद्दा से पुरशपुरा यानी मौजूदा पिशावर मुंतकिल कर लिया। कुशान बादशाह आतिश परस्त थे, लेकिन कनिष्क ने बुद्ध बख्शियों की तालीमात से मुतासिर होकर बुद्ध मत कबूल कर लिया और इसे शहर का सरकारी मजहब करार दे दिया। हुक्मरानों के नक्शे कदम पर चलते हुए पिशावर बुद्ध मत की तालीमात का अहम मरकज बन गया, लेकिन आबादी की अक्सरियत जरतुश्त और रोहियत की पैरोकार रही। बुद्ध मत के मुखलिस पुजारी होने की हैसियत से कनिष्क ने उस दौर की दुनिया की बुलंद तरीन इमारत पिशावर में बनवाई, जो बुद्ध मत का स्टूपा था। पिशावर के गंज दरवाजे के साथ बने इस स्टूपा में बुद्ध मत से मुतालिक मजहबी तबर्रुकात जमा किए गए थे। अब तो यहाँ मट्टी और पत्थरों की एक छोटी सी ढेरी बाकी रह गई है, जो किसी व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, लेकिन कदीम चीनी सयाह और भक्षु फाहयान 400 ईस्वी में पिशावर आया था। उसके मुताबिक इस स्टूपा की बुलंदी 40 चांग से ज्यादा यानी अंदाजन 395 फुट थी और इस पर हर तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। फाहयान के मुताबिक उसने आज तक जितने मंदिर और स्टूपा देखे थे, कनिष्क स्टूपा उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत और मजबूत था। आसमानी बिजली गिरने से स्टूपा तबाह हुआ और कई बार इसकी मुरम्मत की गई। एक और चीनी सयाह ह्यूम सांग की 634 ईस्वी में पिशावर आमद तक स्टूपा का जिक्र मिलता है, लेकिन 1909 में डॉक्टर डीबी स्पूनर रामी एक अंग्रेज माहिर आसार कदीमा ने इसकी खुदाई की और जेर जमीन जवाहरात जड़ी टोकरी में रखे बुधा से मंसूब तबर्रुकात निकालकर साथ ले गया। खुरासान पर अरब कब्जे के बाद पश्तून इस्लाम लाने लगे। 1001 ईस्वी में तुर्क बादशाह महमूद गजनवी ने अपनी गजनवी सल्तनत को अफगानिस्तान से आगे बरे सगीर तक फैलाया। 997 ईस्वी में सबकतीन की वफात के बाद
खुरासान का गवर्नर उसका बेटा महमूद बना, जिसने बाद में सामानी बादशाह से अलहदगी इख्तियार करके अपनी सल्तनत कायम की और 999 ईस्वी में सुल्तान का लक़्ब इख्तियार किया। इब्तदाई दौर में पिशावर के इलाके में कई खूनरेज जंगें हुई, जिनका आवाज महमूद और हिंदू बादशाह जयपाल के दरमियान जंग से हुआ। जयपाल की मुस्तकिल ख्वाहिश थी कि सबकतरीन के हाथों छीनी गई सल्तनत को वापस लिया जाए। कुछ पठानों ने जयपाल की मदद तो की, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा अरसा जारी ना रह सका। नवंबर 1001 ईस्वी में जयपाल को उसकी अपनी शुरू की हुई जंग में शिकस्त हुई और उस समेत उसकी तमाम फौज कैदी बन गई। आजाद होने पर उसने अपने बेटे आनंदपाल को बादशाह बनाया। महमूद ने पठानों को सजा भी दी और उन्हें नवाजा भी। चुनाचे मुसलमान होने के बाद वो महमूद के वफादार हो गए। मुगल बादशाहत का बानी बाबर मौजूदा दौर के उज़्बेकिस्तान से पिशावर पहुंचा। उसने इस शहर को बगराम के नाम से आबाद किया और 1530 में किला बाला हिसार दोबारा बनवाया। बाबर के पोते अकबर ने इसका नाम बदलकर पिशावर कर दिया, जिसका मतलब है सरहद पर वाकई जगह। दुनिया भर से मुसलमान सूफिया, मशायख, उस्ताद, मामार, साइंसदान, ताजर, सिपाही, अफसर, टेक्नोक्रेट, गौल दर गौल जनूबी एशिया की इस नई इस्लामी सल्तनत में आ पहुंचे। जबकि मगरबी ईरान की तरह यहां भी शजरकारी और बागात उगाने से पिशावर फूलों का शहर बन गया। अफगान बादशाह शेरशाह सूरी ने पिशावर की तामीर नौ को तेजी दी। उसने 16वीं सदी ईस्वी में दर्रा खैबर के रास्ते काबुल से दिल्ली तक जरनैली सड़क बनवाई, जो पिशावर से होकर गुजरती थी। 18वीं सदी में नासिर शाह के दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत के जवाल के बाद पिशावर पर ईरान ने कब्जा कर लिया। 1747 में लोया जिरगा ने पिशावर को अफगान दुरानी हुकूमत का हिस्सा बना दिया, जिस पर उस वक्त अहमद शाह दुर्रानी की हुकूमत थी। 1776 में अहमद शाह के बेटे तैमूर शाह दुर्रानी ने पिशावर को अपना सरमाई दारुल हुकूमत बनाया और बाला हिसार का किला अफगान बादशाहों की कायमगा बन गया। 19वीं सदी के आगाज पर सिखों के कब्जे तक पिशावर दुर्रानियों के सरमाई दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। पिशावर पर मुख्तसर अरसे के लिए मरहटों का कब्जा भी रहा। उन्होंने 8 मई 1758 को शहर पर कब्जा किया, लेकिन अफगान दुर्रानियों के बड़े लश्कर ने अगले ही साल यानी 1759 में पिशावर पर दोबारा कब्जा कर लिया। 1818 में महाराजा रंजीत सिंह ने पिशावर पर कब्जा किया, जबकि 1834 में हरि सिंह नलवा के तवस्सुस से इसे बाज़ाब्ता तौर पर सिख रियासत में शामिल कर लिया गया, जिसके साथ ही शहर का जवाल भी शुरू हो गया। 1630 में बनने वाली मस्जिद महाबत खान समेत मुगल दौर के बहुत से मशहूर बागात और इमारतें तबाह कर दी गईं। सिखों के नुमाइंदे के तौर पर अतालवी बाशिंदे पाउलू आविता बायल, जिसे मुकामी अबू तबीला के नाम से याद करते हैं, ने हुक्मरानी की और उसके दौर को फांसियों और सूरियों का दौर कहा जाता है। सिख मत को कायम रखने के लिए हरि सिंह नलवा ने गुरुद्वारा भाई जोगा सिंह और गुरुद्वारा भाई बीबा सिंह बनवाए। अगरचे हिंदुस्तान की तकसीम के बाद पिशावर से सिखों की आबादी इंतहाई कम हो गई, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान और कबायली इलाकों से पनाह की तलाश में आने वाले 4000 सिखों की वजह से आबादी फिर किसी हद तक बढ़ गई। 2008 में पाकिस्तान में सिखों की सबसे बड़ी तादाद पिशावर में ही आबाद थी। पिशावर के सिख खुद को पश्तून कहलाते और बतौर मादरी जबान हिंद को बोलते हैं। 1835 में दोस्त मोहम्मद खान को शहर पर कब्जे में उस वक्त नाकामी हुई जब उसकी फौज ने दल खालसा का मुकाबला करने से इनकार कर दिया। दोस्त मोहम्मद खान का बेटा मोहम्मद अकबर खान 1837 की जमरूद की जंग में पिशावर पर कब्जे में तकरीबन कामयाब हो गया था, लेकिन फिर उसे नाकामी हुई। सिखों की हुक्मरानी 1849 में उस वक्त खत्म हुई जब महाराजा रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों के साथ दूसरी जंग जीत ली। 1849 में सिखों के साथ दूसरी जंग के बाद पिशावर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुकामी फौजियों के 4000 अफराद को बगैर खून बहाए गैर मुसल्लह कर दिया गया। इस तरह 1857 की बगावत के बाद पूरे हिंदुस्तान में होने वाले खून खराबे से पिशावर बच निकला। मुकामी सरदारों ने बरतानवी राज का साथ दिया। शहर के बाहर के पहाड़ों के नक्शे 1893 में सर मोर्टिमर ड्यूरेंट ने बनाए, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया हुकूमत का खारजा सेक्रेटरी था। उसने अफगान हुक्मरान अब्दुलरहमान खान के साथ मिलकर
अफगान सरहद का नक्शा भी बनाया। 1868 में शहर के मगरब में बरतानिया ने एक बड़ी छावनी कायम की और पिशावर को अपना सरहदी मरकजी मकाम बना दिया। अंग्रेजों ने पिशावर में कई तरक्याती मंसूबे भी शुरू किए, जिनमें शहर को बजरिया रेल मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने और मस्जिद महाबत खान की तामीर तरीन शामिल है। अंग्रेजों ने 1900 ईस्वी में सर कुनिंगम क्लॉक टावर भी बनाया, जो मलिका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली की तकरीबात का हिस्सा था, लेकिन इसे सूबे के सबक बरतानवी गवर्नर के नाम से मंसूब किया गया। इस टावर को अब सिर्फ घंटा घर के नाम से पुकारा जाता है। घंटा घर और गोर गठरी के मगरबी दरवाजे के दरमियान वो तारीखी सड़क है जिसे हेरिटेज ट्रेल कहा जाता है। इस हेरिटेज ट्रेल पर मशहूर मोहल्ला सेठियां भी आबाद है, जहां तामीर होने वाले हिंदू ताजरों के 12 घर मुगलों के मोहल्लात की हमसरी करते हैं। इसी तरह 1906 में मलिका विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया हॉल बनाया गया, जहां अब पिशावर का अजायब घर कायम है। मगरबी तालीम देने के लिए बरतानिया ने 1901 में एडवर्ड्स कॉलेज और 1913 में इस्लामिया कॉलेज के अलावा बहुत से स्कूल भी बनाए, जिनको एंजेलिकन चर्च चलाता है। पेशावर में ही खान अब्दुल गफ्फार खान की चलाई हुई अदम तशद्दुद की तहरीक सामने आई, जो मोहनदास करमचंद गांधी से मुतासर थी। अप्रैल 1930 में मकामी अफराद के बड़े ग्रोह ने किस्सा खानी बाजार में पुरअमन मुजाहरा किया कि उनके खिलाफ बरतानिया ने इम्तियाजी कवानीन बनाए हैं। बरतानी अफवाज की फायरिंग से 400 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वाकये और इन शहीदों की याद में एक यादगार भी यहाँ मौजूद है, जिसे यादगार शहीदा के नाम से जाना जाता है। 1947 में पेशावर नौजायदा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया कि मकामी सियासतदानों ने पाकिस्तान में शमूलियत की मंजूरी दी। अगरचे अक्सरियत इस इलाके के हक में थी, लेकिन अब्दुल गफ्फार खान की क़यादत में एक छोटे ग्रोह का ख्याल था कि जनूबी एशिया में एक कन्फेडरेशन ज़्यादा बेहतर होती, और उन्होंने मुतहदा हिंदुस्तान को बेहतर समझा। तहम आवाम की भारी अक्सरियत मुतहदा हिंदुस्तान और ख़ुद को हिंदुस्तानी कहलवाने के सख्त मुखालिफ थी। 1979 में अफगानिस्तान पर रूसी हमले के बाद लाखों अफगान महाजरीन ने पेशावर समेत उस वक्त के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे का रुख किया। 1988 में तकरीबन 1,00,000 अफगान महाजरीन यहाँ आबाद थे, और गैर रजिस्टर्ड शुदा महाजरीन की तादाद लाखों में थी। बहुत से नस्ली पश्तून अफगान आसानी से पेशावर में मुकामी आबादी में घुल मिल गए हैं और अभी तक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। 1950 की दिहाई के वस्त तक पेशावर दीवारों के बीच घिरा शहर था, जिसके 16 दरवाजे थे। इनमें काबली दरवाजा सबसे ज्यादा मशहूर था। ये सब माजी की बातें हैं। शुमाल मगरबी सरहदी सूबा खैबर पख्तूनख्वा बन चुका है, जबकि 7 कबायली एजेंसी पर मुश्तमिल इलाका गैर अब सूबे के अजला में तब्दील हो चुका है, लेकिन पेशावर अब भी आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का छठा बड़ा आम तरीन शहर और पश्तून सकाफत और गंधारा आर्ट का मरकज है। घंटा घर, चौक यादगार, इस्लामिया कॉलेज, बाग खैबर और फसीले शहर की बाकियात इस शहर के तारीखी खुलासे का मजर हैं। ये एक आर्कियोलॉजी एक्सपीकेशन ऑफ गोर गठरी, उसकी एक जो है वो तख्ती लगी हुई है, जिसमें बताया गया है कि ये किस दौर में क्या था। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। हिंदी और यूनानी 190 से 85 कबल मसीह तक जो है वो यहाँ थे। उसके बाद कुशान आ गए, ये आतश परस्त थे, जरतुश्त थे, लेकिन उसके बाद कुशान ने, इनका एक बादशाह था कनिष्क, उसने बुद्ध मत इख्तियार कर लिया था, लेकिन इसकी रियाया वो आग को मानने वाली ही रही। फिर सीथी और पार्थियन आ गए, उन्होंने जो है वो पहली सदी ईस्वी से चौथी सदी ईस्वी तक पेशावर पर वो काबिज़ रहे। फिर कदारा आ गए 457 से 558 ईस्वी तक। उसके बाद वाइट हुन, ये वो कौम थी जिसने जो है वो सारा कुछ बर्बाद किया, सारे जो है वो तहोबाला कर दिया। बुद्ध मत की तहजीब बुनियादी तौर पर वाइट हुंस के हाथों बर्बाद हुई थी, और ये आए थे 558 से 666 ईस्वी तक ये रहे। फिर हिंदू शाही हुक्मरान आ गए, पेशावर पर हिंदू शाही हुक्मरानों ने भी हुकूमत की 822 से लेकर 1092 तक। महमूद गज़नवी, ये वो पहला बादशाह था जिसके साथ इस्लाम इस इलाके में दाखिल हुआ, 1098 से 1186 सदी ईस्वी तक। फिर सदरत दिल्ली 1205 से 1526। फिर सूरी, शेरशाह सूरी का अहद 1535 से 1555। उसके बाद मुग़ल 1526 से 1738 तक।
दुर्रानी आए जिन्होंने जो मुग़लों के जवाल का बायस बने और जिनकी वजह से जो है वो सिखों को अरूज हासिल हुआ 1738 से 1834 तक। फिर सिखों ने इस शहर पर कब्ज़ा कर लिया 1834 से 1849 तक, ये उनके कब्ज़े में रहा। ये वो दौर था जब हरि सिंह नलवा इसी किला बाला हिसार में जो है वो रहा करता था और यहीं से वो जमरूद गया था जब अफ़गानिस्तान के अमीर दोस्त अहमद ख़ान ने हमला किया उस किले पर और वो इस किले को बचाने गया था। लेकिन कहा यह जाता है कि वो दोस्त अहमद ख़ान के बेटे अकबर ख़ान की गोलियों से मारा गया। और फिर उसके बाद जो है बरतानवी आगे 1849 से 1947 तक उन्होंने पेशावर पर अपना कब्ज़ा रखा। उसके बाद फिर 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो यूँ आप कह सकते हैं कि पेशावर भी जो है वो आबाद हो गया। ये ऊपर कुछ चंद जुमले भी लिखे हुए हैं आसारो कराइम के हवाले से। गोरगठरी पेशावर शहर का सबसे कदीम और ऊंचा टीला है। तारीख से पता चलता है कि माजी में पेशावर शहर मुख्तलिफ तमद्दनों तहजीब का संगम था, जिसे पता चलता है कि पेशावर बरसगीर पाक व हिंद का वो सबसे पुराना शहर है जो मुसलसल आबाद रहा है। इस दावे को सच साबित करने के लिए खुदाई से मिलने वाली मुख्तलिफ अशिया का जायज़ा और मुताला किया गया ताकि इसी बुनियाद पर पेशावर की तारीख मालूम की जा सके। इसी गर्ज के लिए तहों को जमा नवादरात के दरियाफ्त हुआ, मसलन पत्थरों की बनी हुई जोड़ी दीवारें, पत्थरों के बने मुजस्मों के टुकड़े, मिट्टी के बने हुए बर्तन, मूर्तियां, खिलौने, जार, गुलदान और दिए वगैरह, और साथ ही साथ में मुख्तलिफ शाही ख़ानदानों के सिक्के भी दरियाफ्त किए जा चुके हैं। इस खुदाई से तहे तारीख का अंदाज़ा जो होता है वो मैंने आपको जो है वो सन बताए हैं। अच्छा, ये हकामंशी ख़ानदान के जो है वो ज़ेर इक़्तदार भी रहा। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्यों हकामंशी ख़ानदान का जो है वो दौर मेंशन नहीं है। हकामंशी ख़ानदान वो था जिसके आखिरी बादशाह दारा को अलेक्ज़ेंडर ने शिकस्त दी थी। वो 600 कबल मसीह में था और यहाँ से जो सिक्के मिले हैं वो पंच मार्क टाइम कहलाता था। उस ज़माने में सिक्कों को ढाला नहीं जाता था बल्कि किसी लोहे के औजार से उन पर जो है वो निशान सब किया जाता था और उसे कहा जाता है पंच मार्क क्वाइंस। और ये हकामंशी दौर में के क्वाइंस थे, लेकिन मैं इस यहाँ इस बोर्ड पर ये चीज़ मेंशन नहीं है। लेकिन पेशावर की तारीख के हवाले से जो लोग जानते हैं उन्हें ये पता है कि यहाँ से जो सिक्के मिले हैं पंच मार्क क्वाइंस भी मिले हैं, यानी ये शहर उससे भी ज़्यादा कदीम है जो इस तख्ती पर जो है वो लिखा हुआ है।